जैसे दर्शकों हमने आपको होली के त्यौहार पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर विधायकों के आवास पर हम आपको होली के कार्यक्रम को दिखाया था, और इस वक्त हम जनपद सहारनपुर के सदर सीट से विधायक राजीव गुंबर के आवास पर मौजूद हैं। पीछे की तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से होली का पर्व बड़ी धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और एक तरफ डीजे बजा हुआ है, और सदर विधायक राजीव गुंबर के समर्थक जितने भी समर्थक है भारी उत्साह है, जोश है, और सदर विधायक राजीव गुंबर जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करना चाहेंगे विधायक साहब से। विधायक साहब, पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक साहब, जैसे कि पूरा देश होली के त्यौहार के अंदर रंगों में रंगे ही हो चुका है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी परिवार के दर्शक? रंगों का त्यौहार, ये खुशियों का त्यौहार, ये एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार, प्यार मोहब्बत का त्यौहार, हम सब मिलकर मनाएं और सारा देश मनाए और सारे देश में नई नई खुशियां आए। क्या कुछ खास है इस बार की होली में देखते होंगे आप, तमाम प्रकार की आपने पिछली भी होलियां देखी होंगी, इस बार कुछ खास है ऐसा इस बार के पर्व? बार मोदी और योगी की होली है, पूरा समाज झूम कर गा रहा है। आज गुंडे माफिया जेल में है, लोग आराम से सड़कों पर अपनी होली मना रहे हैं। लगता है पूरे, जैसे आपने कहा वर्तमान में बाबा योगी की सरकार है, तमाम पूरे देश के अंदर आप भगवा है, और आपको दिखा सकता हूँ विधायक साहब भी पूरे इस वक्त भगवा के अंदर रंगा ही मई है। जैसे देखा आपने दर्शकों, आपने हम आपको विधायकों से लेकर सांसद और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के आवास पर हम आपको लेके गए थे, और विधायक साहब के आवास पर किस तरह से कुछ और बातचीत करना चाहेंगे व्यापारी जी, कुछ व्यापारी लोग भी हमारे साथ मौजूद है, मिगलानी जी से बातचीत करेंगे, क्या क्या कुछ कहेंगे होली के पर्व पर? चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के अध्यक्ष के नाते मैं सबको, नगर वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह लोग खुश रहें, महकते रहें, और सतरंगी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जनपद सहारनपुर मौजूद थे विधायक साहब के, यहां पर कुछ व्यापारी संगठन के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे, कुछ स्थानीय निवासी है, उनसे भी एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम है? आशीष वाल्मीकि जी, क्या कुछ कहेंगे? होली का पर्व है, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, देखते हैं होली का पर्व है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक गुंडों का राज था वो खत्म हुआ है, और धूमधाम से हम लोग यहाँ पे आज। दर्शकों, आपने देखा जनपद सहारनपुर में मौजूद है, और अन्य भी व्यापारी मौजूद है, कुछ यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। भाई, शुभ नाम आपका? रविंद्र मारवा। रविंद्र मारवा जी, क्या कहेंगे? होली का पर्व है, ये योगी मोदी का राज है, हमारा ये त्यौहार है, और ये खुल के गुंडा राज खत्म हो गए, और इतना मजा आ रहा है होली खेलने का, कोई बदमाशी नहीं है, कुछ नहीं है, इतना मजा आ रहा है। पहले अन्य भी सरकारें हुआ करती, क्या उस समय पर इस प्रकार त्यौहार नहीं मनाए जाते थे? डरते थे भाई, कहीं यहाँ वहाँ जाएंगे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, अब ऐसा कोई डर नहीं है, ये जो गुंडागर्दी करेगा वो जाएगा, कहाँ जाएगा? वो अपने बड़े घर में, जो नहीं घर, बड़े घर में फिर योगी जी उसे दाल रोटी खिलाएंगे बढ़िया जी। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम वरदान घावरी है जी। जैसे भाई साहब ने बताया कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्या अन्य सरकारों में भी बताया था कि गुंडा राज चलता था? देखिए, अन्य सरकारों का तो हमें पता नहीं, अभी लगता है आपने हमारे माननीय बाबा जी का स्टेटमेंट नहीं सुना, गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और ये जो इस बार की जो होली है, तीन प्रदेशों का जो खुशबू और मोहब्बत का रंग देश के अंदर माननीय योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में तीन प्रदेशों की, मेघालय की जनता ने जो देने का काम किया, त्रिपुरा की जनता ने देने का काम किया, ये उसकी खुशबू की होली है, ये खुशियों का त्यौहार है। कुछ और भी भाई साहब मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे। भाई साहब, होली की आपको पहले हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक छाबड़ा जी, क्या कुछ कहेंगे होली के पर्व पर देखते होंगे पूरे देश के अंदर रंगों का त्यौहार बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस बार की होली पिछले कई वर्षों से अलग से हटकर है, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जो कसम उठाई है कि इस प्रदेश से, आज देखते थे आप पहले पिछली होली के त्योहारों पर कभी कहीं गुंडागर्दी थी, कहीं मारपीट थी, कहीं झगड़े थे, आज पुलिस प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, खास तौर पर सहारनपुर के कप्तान को, DIG साहब को, जिनके नेतृत्व में आज पुलिस चप्पे चप्पे पर किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के उस मान स्तंभ को जो बाबा योगी आदित्यनाथ के रूप में हमारे बीच में हमारे पर राज कर रहे हैं। निश्चित दर्शकों, सहारनपुर में मौजूद थे, सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बात हुई, बता रहे हैं कि सर योगी सरकार के अंदर हम तमाम नागरिक यहां पर सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। धन्यवाद।